हेलो स्टूडेंट, यूनिट फोर्थ आज हम चालू करते हैं। और यूनिट फोर हमारी ऑसिलेटर एंड लॉजिक सर्किट अर्थात दोलित्र एवं तर्क गेट या तर्क परिपथ, इसकी क्लास फोर फर्स्ट है हमारी क्लास फर्स्ट। तो सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे यूनिट फोर के अंतर्गत लॉजिक गेट। तो बेटा लॉजिक गेट चैप्टर या लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट तार्किक परिपथ। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वह है हमारा फंडामेंटल लॉजिक एलिमेंट या मूलभूत तार्किक अवयव। तो बेटा फंडामेंटल लॉजिक एलिमेंट के अंतर्गत सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लॉजिक, कि लॉजिक क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसका लॉजिक अर्थात तर्क। तर्क किसे कहते हैं या तर्क क्या होता है इसको समझेंगे, यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। ऐसा कथन जो दी गई परिस्थितियों में निर्णायक परिणाम दे, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। ऐसा कथन जो दी गई, बेटा ऐसा कथन जो दी गई परिस्थितियों में निर्णायक परिणाम दे, दी गई परिस्थितियों में निर्णायक परिणाम दे, क्या कहलाता है बेटा। लॉजिक गेट, लॉजिक या तर्क, या क्या बात करें बेटा इसकी, और डेफिनेशन क्या हो सकती है कि किसी कथन की सत्यता या असत्यता को परखने का क्षेत्र, ऐसा फील्ड जिसके अंतर्गत हम किसी कथन की सत्यता या असत्यता को जांचते हैं, परखते हैं, वह क्षेत्र हमारा तर्क कहलाता है। तो इसकी सेकंड परिभाषा कह सकते हैं हम, किसी कथन की सत्यता या असत्यता को परखने का क्षेत्र ही क्या कहलाता है हमारा, लॉजिक कहलाता है, या क्या कहलाता है, तर्क। अर्थात यदि कोई कथन सत्य है तो यह देखना कि यह किन किन परिस्थितियों में सत्य होता है, कोई कथन हमारा असत्य है तो वो कहां असत्य है और सत्य है वो कहां सत्य है, ऐसा देखना परखना जिस क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं वही कहलाता है हमारा लॉजिक या तर्क। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं इसके अंतर्गत सबसे पहले कि हमारा कोई कथन है पंखा चल रहा है, ये कोई हमारा कथन है। अब देखते हैं हमें किन किन परिस्थितियों के अंतर्गत ये सत्य है असत्य है, और जो एक्चुअल रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट देता है वही कहलाता है हमारा क्या, तर्क। तो बेटा इसके अंतर्गत एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल की सहायता से इस
एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इधर बनाया हमने निवेश और इधर बनाया हमने निर्गम या निर्गत। अब निवेश के अंतर्गत हमारी परिस्थिति है इधर है हमारा, पहले मैं इसको लिख लेता हूं फिर समझना। तो बेटा ये हमारा एग्जाम्पल था कि पंखा चल रहा है तो इसके अंतर्गत निवेश और निर्गम दो पार्टिकल बनाए हैं, उनके हमारा आउटपुट क्या दे रहा है, इनपुट क्या दे रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है। तो इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट माना कि पंखा ठीक है, सेकंड माना धारा प्रवाह, ये तो हमारा इनपुट हो गया, ये पंखा ठीक है और धारा प्रवाह ये हो गया हमारा इनपुट, पंखा चल रहा है ये क्या होगा आउटपुट। तो फर्स्ट कंडीशन है कि पंखा ठीक है, हाँ कि हमारा पंखा तो ठीक है लेकिन धारा प्रवाह नहीं है। पंखा ठीक है यदि हम उसमें करंट का फ्लो नहीं कर रहे तो बेटा बताओ फैन चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा नो। सेकंड क्या है हमारा फैन ठीक है, पंखा ठीक है, यस, करंट का फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाह यस, जब पंखा भी ठीक है करंट का भी फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में पंखा तो चलेगा ऑब्वियसली चलेगा। थर्ड है हमारा पंखा ठीक है नो, कि हमारा पंखा खराब है बेटा, अब उसके अंतर्गत धारा प्रवाह धारा भी नहीं है तो बेटा पंखा कहां चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लास्ट है हमारा पंखा ठीक है नहीं धारा प्रवाह, फैन तो हमारा खराब पड़ा है उसके अंतर्गत करंट फ्लो कर रहे हैं तो वो चलेगा कहां से, वो ठीक ही नहीं है, तो इसका हमारा आउटपुट क्या मिला नो। तो इस प्रकार ये जो निर्णायक परिणाम मिला हमारा नो यस नो यस, यही क्या कहलाता है हमारा लॉजिक कहलाता है, तर्क कहलाता है। कई सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और लेके देख सकते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल क्या है हमारा, जिस प्रकार हमने लिया कि पंखा चल रहा है, अब क्या ले रहे हैं हम बल्ब प्रकाशमान है, या हम ग्रामीण भाषा में बोलते हैं कि बल्ब जल रहा है, लेकिन उसको जल इसकी साइंस की लैंग्वेज में फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं बोल सकते, बल्ब जल रहा है जलने का मतलब तो फ्यूज हो गया खराब हो गया, तो हम बोलते हैं बल्ब प्रकाशमान है। तो बेटा क्या है हमारा कि हमने इनपुट बनाया और आउटपुट बनाया, और इनपुट क्या लिया हमने कि बल्ब प्रकाशमान है, उसके अंतर्गत दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या ली कि बल्ब ठीक है, सेकंड कंडीशन धारा प्रवाह। फर्स्ट है हमारा वल्व ठीक है यस, धारा प्रवाह आ रहा है नो। यार बेटा ये समझो आप कि आपके पास वल्व है वो ठीक है, जब तक हम उसके अंतर्गत करंट का ही फ्लो नहीं कर रहे तो वो प्रकाशमान होगा क्या, क्या वो प्रकाश करेगा, क्या वो चारों तरफ प्रकाश फैलाएगा नो। तो तर्क क्या मिला लो, सेकंड वल्व ठीक है यस वल्व हमारा। तो बेटा देखो ये बल्ब ठीक है उसके अंतर्गत करंट का भी फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली बल्ब जलेगा या बल्ब प्रकाशमान होगा। बल्ब ठीक है नो, करंट फ्लो नो, तो बल्ब कहाँ जलेगा नो। बल्ब ठीक नहीं है, करंट का फ्लो हो रहा है तो फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। इसी प्रकार हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास कोई डीजे की मशीन है, क्या बेटा डीजे की मशीन, अब बोल रहे हैं चालू है, इसके अंतर्गत फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, यहां पर क्या लिखेंगे मशीन ठीक है या डीजे की जो मशीन ठीक है, सेकंड धारा प्रवाह हो रहा है, तो वही जब मशीन ठीक है करंट का फ्लो नहीं हो रहा तो डीजे कहां से बजेगा, और डीजे नहीं बजेगा तो क्या नहीं होगा डांस नहीं होगा, वो अलग बात है। सेकंड कंडीशन डीजे ठीक है यस, करंट फ्लो हो रहा है यस, तो डीजे बजेगा बिल्कुल, पैर उठेगा बिल्कुल, चमेली नचेगी बिल्कुल नचेगी, चमेली को नचालो चांदनी को नचालो। थर्ड कंडीशन डीजे ठीक है नो, करंट फ्लो हो रहा है नो, तो डीजे कहां से बजेगा, कहीं नहीं, पैर कहीं उठेगा नहीं, चांदनी नचेगी नहीं, तो इसके अंतर्गत कुछ नहीं हो रहा। लास्ट कंडीशन डीजे ठीक नो, करंट फ्लो हो रहा है यस, जब मशीन आपकी खराब है करंट आपका फ्लो हो रहा है तो करंट से थोड़ी बजेगा,
हम कब नाचते हैं? जब डीजे चलेगा, जब उसकी आवाज गूंजेगी, तभी तो हमारा, आप बोलते ना, पैर उठेगा। पैर कब उठता है नाचने के लिए? जब हमारी मशीन चालू होगी, और मशीन ही चालू नहीं हो रही तो डांस कहाँ से होगा। तो इस प्रकार का जो हमारा क्षेत्र था, किसी कथन की सत्यता असत्यता को परखने का क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा लॉजिक। तो ये कहानी हमारी थी लॉजिक की। अब हम आगे चलते हैं इसी सीरीज में। एक साइंटिस्ट थे बेटा, जॉर्ज बुल। जॉर्ज वुल साइंटिस्ट ने तर्क संगत कथनों को गणितीय पद्धति से हल करने के लिए द्विआधारी संकेतों का उपयोग कर एक बीजगणित का विकास किया, जिसे ही हम बोलते हैं बूलिया बीजगणित। जैसे हमने ये बोल रहे थे कि पंखा ठीक है, यस करंट फ्लो हो रहा है, नो, क्या पंखा चलेगा? नो। तो ऐसे ही कथनों को, तर्क संगत कथनों को गणितीय पद्धति से सॉल्व करने के लिए जॉर्ज वुल साइंटिस्ट थे। उन्होंने द्विआधारी संकेतों, द्विआधारी का मतलब इसके अंतर्गत दो संकेत, दो आधारे, पहला होता है इसके अंतर्गत जीरो या एक जीरो और एक वन, इनका उपयोग कर एक बीजगणित का विकास किया, और जिसे ही हम बोलते हैं बूलिया बीजगणित। अर्थात बूलिये बीजगणित की खोज किसने की, किसने विकास किया? जॉर्ज वुल ने। क्यों किया? क्योंकि जो तर्क संगत कथन थे उनको गणितीय पद्धति से सॉल्व करके, द्विआधारी विधि से सॉल्व करके एक अलग से मैथ बनाई, जिसे हम कहते हैं बूलिये बीजगणित। तर्क संगत कथनों को द्विअंकीय परिपथों द्वारा हल करने के लिए हम तीन मूलभूत तार्किक परिपथों का उपयोग करते हैं। अर्थात हम जो तर्क संगत या लॉजिकल जो कथन होते हैं, उनको द्विअंकीय परिपथों जैसे जीरो और वन से हल करने के लिए हमको तीन बेसिक लॉजिक गेट्स की आवश्यकता होती है। जो ये बेसिक जो तीन हमारे बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, वो पहला होता है एंड, सेकंड और थर्ड नॉट। तो आप, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है हमारा तार्किक द्वार। अर्थात लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट क्या होगा? ऐसे परिपथ जो विशिष्ट तर्क को संपादित करने के लिए बनाए रहते हैं। परिभाषा इसकी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे परिपथ जो विशिष्ट तर्क को संपादित करने के लिए बनाए जाते हैं, तार्किक द्वार कहलाते हैं। कि तीन होते हैं, ऑर गेट, एंड गेट एंड थर्ड नॉट गेट। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं और गेट का। उससे पहले मैं कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस बीज गणित के अंतर्गत या लॉजिक गेट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, उनका पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि बूलिये बीज गणित में निवेश को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमालाओं के बड़े प्रारंभिक संकेत अक्षरों द्वारा तथा निर्गम को बाई द्वारा निरूपित करते हैं। अर्थात इस बूलिये बीजगणित के अंतर्गत इनपुट को हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं? यदि हमारे इनपुट संकेत हैं तो उनको
ए वी सी डी, भाई जो भी है हम कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर्स किनको, इनपुट को, जबकि आउटपुट को हम कैपिटल वाई के द्वारा निरूपित करते हैं। और ये हम जिनको निरूपित कर रहे हैं, जैसे हमने इनपुट लिया, दो इनपुट लिए तो उनको ए और बी, आउटपुट लिया वाई, तो ये कहलाते हैं हमारे बूलियन चर। अर्थात बूलियन चर क्या हो गए, ऐसे संकेत या ऐसे चर जिनकी सहायता से हम बूलियन बीजगणित को निरूपित करते हैं। दो आधारी संकेत जीरो तथा एक दो स्पष्ट बोल्टता स्तरों द्वारा निरूपित होते हैं। जो दो आधारी संकेत बताए थे हमने, जीरो एंड वन, स्पष्ट बोल्टता जीरो है, वन है, एक की बोल्टता हाई होगी, एक की बोल्टता निम्न होगी। तो निकाय में धनात्मक तार्किक माना जाता है, अर्थात यदि जीरो, ये जीरो, ये तो है हमारा निम्न वोल्टता स्तर पर, लोअर वोल्टेज लेवल, एंड वन है हायर वोल्टेज लेवल। जो हमारे दो आधारित संकेत हैं जीरो वन, वो हमने माना कि फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत जीरो शो कर रहा है लोअर वोल्टेज लेवल को, एवं वन शो कर रहा है हायर वोल्टेज लेवल को। उस कंडीशन के अंतर्गत जो हमारा तार्किक गेट होता है या तार्किक लॉजिक होता है, तार्किक लॉजिक होता है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत जो ऐसा जो तर्क होगा वो कहलाता है हमारा पॉजिटिव तर्क। इसके विपरीत यदि हम जीरो को मान रहे हैं हायर वोल्टेज लेवल एवं वन को मान रहे हैं लोअर वोल्टेज लेवल, तो उस कंडीशन के अंतर्गत जो तर्क होगा वो नेगेटिव तर्क कहलाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट गेट पर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बेटा एंड गेट, या और गेट पढ़ लें, चलो पहले और गेट पढ़ लें। फर्स्ट लिया हमने, और लॉजिक गेट या और गेट, या कहें और तर्क कथन। और गेट क्या होता है बेटा, ऐसे परिपथ जो उपस्थित किसी भी एक संकेत के द्वारा परिणाम एक देते हैं, अर्थात ऐसे परिपथ जो उपस्थित किसी भी एक संकेत के द्वारा परिणाम क्या देते हैं, एक देते हैं, एवं सभी संकेतों की उपस्थिति पर परिणाम क्या देंगे, वन, परंतु सभी संकेतों के अनुपस्थित होने पर परिणाम देते हैं जीरो, और लॉजिक गेट कहलाते हैं। एवं इस प्रकार के तर्क को हम और लॉजिक या और तर्क कहते हैं। इन संकेतों के मध्य हम प्लस का चिन्ह लगाकर क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। और गेट का प्रतीक चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, जैसे ये माना हमारा इनपुट ए,
इनपुट बी, तो क्या बोला था आपको, आउटपुट लिखते हैं कैपिटल बी से, तो आउटपुट इनको किसके द्वारा निरूपित करते हैं, ए प्लस बी से, तो ये हो गया हमारा और गेट का प्रतीक चिन्ह। अब यदि हम बात करें कि और गेट की शतमान सारणी है उसके बारे में, तो उसकी शतमान सारणी बना लेते हैं। तो बेटा ये और गेट की शतमान सारणी है ट्रुथ टेबल, अर्थात हमारा इनपुट संकेत हमने ए संकेत लिया जीरो और दूसरा संकेत भी क्या है जीरो, अर्थात संकेत ए भी क्या है अनुपस्थित, बी भी क्या है अनुपस्थित, तो उस कंडीशन के अंतर्गत और गेट में जो तो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा जीरो। अब सेकंड क्या लिया हमने कि ए जीरो बी वन, तो जीरो वन तब भी क्या मिलेगा वन, वन जीरो क्या मिलेगा वन, वन वन क्या मिलेगा वन। तो इस प्रकार की जो टेबल होती है सतमान सारणी या ट्रुथ टेबल किसके अंतर्गत आती है और गेट के अंतर्गत, अर्थात और गेट के अंतर्गत क्या होगा किसी भी एक संकेत की उपस्थिति में परिणाम एक मिलेगा एवं सभी संकेतों की उपस्थिति में भी परिणाम एक मिलेगा तथा किसी दोनों संकेतों की अनुपस्थिति में परिणाम जीरो मिलेगा। और गेट का सेकंड नाम है इसको हम और गेट या अभिद्वार भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा अभिद्वार। तो और गेट को निरूपित, ये हमारा और गेट का प्रतीक चिन्ह हो गया, निरूपण हो गया। और गेट को हम निरूपित करते हैं किसी दो संकेतों के मध्य ए प्लस बी अर्थात प्लस लगाकर, और गेट की शतमान सारणी। नेक्स्ट है हमारा इसका तुल्य विद्युत परिपथ, अर्थात इसका जो विद्युत परिपथ है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम इसका तुल्य विद्युत परिपथ बनाते हैं। तो बेटा ये बना दिया हमने और गेट का तुल्य विद्युत परिपथ, एक संकेत ए एक संकेत बी, ये इनपुट में एंट्री है, आउटपुट क्या हमारा बल्ब। तो बेटा और गेट के अंतर्गत क्या होता है कि कुंजियां ए तथा बी के खुला होने पर, अर्थात ए और बी दोनों खुला है, दोनों के दोनों क्या है अनुपस्थित, उस कंडीशन में क्या होता है हमारा इनपुट क्या है ए का भी जीरो बी का भी जीरो, तो बेटा आउटपुट क्या मिलेगा जीरो। अर्थात कुंजियां ए व बी या सोर्स स्रोत ए व बी के खुले होने पर परिपथ में धारा नहीं बहेगी, जब परिपथ में करंट ही नहीं है तो बल्ब जलेगा क्या नहीं जलेगा, अर्थात बल्ब नहीं जलेगा तो डीजे नहीं बजेगा और डीजे नहीं बजेगा तो चांदनी नहीं नचेगी या चमेली नहीं नचेगी और चमेली नहीं नचेगी तो पैसा थोड़े फेंकेंगे, और पैसा ही नहीं फेंकेंगे तो परिणाम क्या मिलेगा जीरो। अर्थात इसको शॉर्ट में क्या समझेंगे या साइंस की लैंग्वेज में कि स्रोत ए व बी दोनों के अनुपस्थित होने पर परिपथ में से धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जल रहा तो परिणाम एक मिल जीरो मिल रहा है। अर्थात हम और अपनी भाषा में क्या पढ़ाए कि जब ए और बी दोनों के दोनों क्या है अनुपस्थित, अनुपस्थित नहीं है तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, जब बल्ब नहीं जल रहा करंट नहीं तो डीजे बजेगा नहीं बजेगा, डीजे नहीं बचेगा तो चमेली नचेगी क्या नहीं नचेगी, और चमेली नहीं नचेगी तो कोई उसके ऊपर रुपए उड़ाएगा क्या नहीं उड़ाएगा, तो क्या रुपए क्या मिले जीरो। अर्थात जो परिणाम आउटपुट क्या मिला जीरो, अर्थात परिणाम जीरो होगा, परंतु किसी भी एक कुंजी के बंद होने पर परिपथ में धारा बहेगी और धारा बहेगी तो बल्ब जलेगा और बल्ब जलेगा तो डीजे बजेगा और डीजे बजेगा तो चांदनी नचेगी और चांदनी नचेगी तो सब पैसा उड़ाएंगे, अर्थात परिणाम क्या मिलेगा एक, या कहीं जब किसी भी एक संकेत के उपस्थित होने पर परिपथ में से धारा प्रवाहित होगी उस कंडीशन में बल्ब जलेगा और बल्ब जल रहा है तो हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है वन। ये है हमारा और गेट का तुल्य विद्युत परिपथ। अब बेटा हम आज आपके लिए कुछ नया करने वाले हैं, ये जो भी हमने आपको भी इसका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो बताया इसको हम शो करेंगे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो देखो बेटा इसका प्रैक्टिकल अब हम आपकी स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको और गेट के बारे में बताता हूँ वापस प्रैक्टिकल रूप से, कि हमने बताया और गेट का प्रतीक चिन्ह ये होता है। तो बेटा देखो और गेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है ये होता है बेटा हमारा और गेट या और लॉजिक गेट। अब और लॉजिक गेट के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि किसी भी एक संकेत की उपस्थित होने पर परिणाम मिलेगा वन, दोनों अनुपस्थित तो परिणाम मिलेगा जीरो, दोनों उपस्थित तो परिणाम मिलेगा एक। अब इसको हम प्रैक्टिकल रूप से शो करेंगे बेटा, देखना ये हमने क्या लिया और लॉजिक गेट लिया, ये है हमारा ग्राउंड। हम क्या करते हैं बेटा
अब संकेत लेते हैं वन और जीरो, तो ये हमने संकेत ले लिए। अब इसको हम शो कर रहे हैं, इधर आपको शो नहीं हो रहा है, इधर देख लो इसको, है ना। दिख रहा है? ओके। अब बेटा हम एक बल्ब ले लेते हैं, देखो ये तो हमने एलईडी बल्ब लिया और एक नॉर्मल बल्ब। तो बेटा क्या किया हमने कि ये और लॉजिक गेट लिया, ये जो है हमारा सिंपल बल्ब। तो देखो हमने अभी आपको बताया था और गेट के अंतर्गत, अब इसको हम चालू करते हैं परिपथ को, ये हमारा चालू हो गया। देखो परिणाम जीरो, ये हमारा वन एक मीटर को। अब इस कंडीशन के अंतर्गत क्या है, जीरो जीरो, ए क्या है हमारा जीरो, बी क्या है हमारा जीरो, आउटपुट क्या मिल रहा है देखो, ए जीरो बी जीरो, आपको स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है डायोड के ऊपर जीरो नीचे जीरो जीरो जीरो, अच्छा दोनों संकेत क्या है अनुपस्थित, तो बल्ब जल रहा है क्या, नहीं जल रहा। अब यदि मैं किसी भी एक को जीरो और वन, तो बल्ब क्या हो गया, जल गया, फ्यूज हो गया। ये फ्यूज क्यों हो गया, क्योंकि बल्ब कि जो वेट वोल्टेज है वो क्या कर रखे हमने ज्यादा, इसको आप वोल्टेज सही करते हैं, ये करंट फ्लो हो रहा है आपके सामने। तो देखो बेटा हमने क्या किया कि 1 0 पे हमारा बल्ब फ्यूज हो रहा है, तो इसको हम सही करने के लिए क्या करते हैं, इसके वोल्टेज सही करते हैं, इसके वोल्टेज क्या है ज्यादा करते हैं। तो देखो हम वोल्टेज, हमने इसको बल्ब के वोल्टेज 3 वोल्ट कर दिया, तो देखो बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, कब जल रहा है, अब ये यदि इसको करूं मैं 0 0, बल्ब बुझ गया, 1 0 जल गया, 1 1 जल गया, ऊपर करूं 0 नीचे 1 जल रहा है, 0 1 1 जल रहा है, 0 0 बुझ रहा है। तो ये क्या है हमारा और गेट ही तो है, और गेट में क्या था, यदि दोनों संकेत क्या है अनुपस्थित। अब देखो आपको बेटा स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि दोनों के दोनों संकेत कैसे हैं अनुपस्थित, दोनों में दोनों में क्या हो रहा है आपका जीरो, उस कंडीशन में आपका बल्ब नहीं जल रहा है। अब यदि मैं किसी भी एक संकेत को चालू करूं, देखो क्या हो गया 1 0, तो बल्ब चल रहा है, यदि मैं दोनों को चालू करूं तो भी चल रहा है, देखो यदि मैं ऊपर 0 नीचे 1 तो भी चल रहा है और 0 0 जल रहा है। तो ये है हमारा और गेट। तो इसका सर्किट के लिए क्या लिया हमने, और लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट लिया, दो स्रोत लिए, ये बल्ब लिया, और हमने क्या लिया भूसंपर्क कर दिया। बेटा मैं आपको बता दूं एलईडी बल्ब और सादा सिंपल बल्ब, तो ये तो लिया था हमने एलईडी बल्ब सादा बल्ब, तो यदि सादा बल्ब में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता तो हमने डायरेक्ट लेके एक सरा उसके, इसको मैं अभी क्रॉस कर देता हूं, देखो ये यहां से भी इसको क्रॉस कर दूं, देखो ये सारा मैंने यहां से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और मैंने चालू किया तो हमारा बल्ब जल गया। और अब यदि मैं इसको और क्रॉप करूं, अलग अलग कर दूं, यहां से अलग कर दूं इसको, यहां से अब मैं इसको हटा देता हूं इधर, ये काट दिया, देखो आपको शो हो रहा है। अब यदि मैं इस वाले सिरे को यहां शो कर रहा हूं और इस वाले सिरे को यहां कनेक्ट कर रहा हूं, आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर,
अब मैं मेरा सर्किट चालू कर रहा हूं तो अभी क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है। अर्थात सादा बल्ब में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 किया जल रहा है, 101 किया जल रहा है, ऊपर 1 नीचे 0 जल रहा है, और 00 किया बुझ रहा है। लेकिन एलईडी जो बल्ब होता है उसके अंतर्गत पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उसके अंतर्गत हम नेगेटिव सिरा उसका भूसंपर्कित कर देते हैं और पॉजिटिव सिरा हम लॉजिक गेट से लगा देते हैं। अब यही डायग्राम हम आपको एलईडी के डायग्राम के एलईडी बल्ब के सहायता से आपको प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे आपकी स्क्रीन पर। तो देखें बेटा क्या कर रहे हैं, हम इस बल्ब को हटा देते हैं, ये क्रॉस करो, डिलीट मार देते हैं इसको, चलो इसको इधर पटक दिया। अब ये एलईडी बल्ब हम आपको ले आए, देखो ये ऊपर वाला जो सिरा है, ये जो सिरा है ये एलईडी बल्ब का पॉजिटिव है, और तो इसको इसके पॉजिटिव से जोड़ दो, और ये नेगेटिव है इसके इसके नेगेटिव को जोड़ दो। देखो ये पॉजिटिव लॉजिक गेट्स के पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव क्या कर दिया वो संपर्क। अब इसको हम चालू करेंगे, 00 पर नहीं जल रहा है और 10 पर फ्यूज हो गया। अब ये फ्यूज हो रहा इसका मतलब इसके हमने वोल्टेज सही नहीं किया, तो इसके वोल्टेज सही करते हैं। तो देखो वोल्टेज ये रे, ये लगभग 4 वोल्टेज पर जल जाएगा, 3 अब भी फ्यूज हो रहा है, अब जल गया। देखो अब डीजे बज रहा है ना, अब आपको फीलिंग आ रही है डीजे की, 10 डीजे बजा, डीजे बजा तो डांस हुआ तो चंगेरे नची तो रुपया मिला, तो अर्थात 101। अब मैं इसको करूं, एक मिनट रुको बेटा, 00 फ्यूज हो गया, 10 जल गया, 11 जल गया, 01 जल गया, ऊपर 1 नीचे 0 जल गया। अब मैं इसको यहां से इन बल्ब के जो एलईडी बल्ब है इनका जो कलर है वो भी चेंज कर सकता हूँ। देखो मैं इसका कलर चेंज करूंगा आपके सामने, देखो डीजे बजेगा, ओहो ये आपको अलग अलग शो हो रहे होंगे। तो ये हमारे एलईडी बल्ब की खासियत की, एलईडी बल्ब के अंतर्गत नेगेटिव वाला सारा भूसंपर्क करते हैं, पॉजिटिव वाला सारा सुनते हैं। ये हमारा और लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट में आपको क्या बताया, 00 01 01 11। तो ये तो इसका सिंपल पर्पस हो गया। अब इसका बनाते हैं तुल्य विद्युत परिपथ। तो देखो बेटा अभी तुल्य विद्युत परिपथ बनाते हैं, इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। तो बेटा एलईडी जो तुल्य विद्युत परिपथ बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बार वापस पावर पॉइंट पे जो हमारा जो थ्योरी था थ्योरेटिकल पोर्शन पे चलते हैं। तो देखो थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने आपको बताया था ये आपका तुल्य विद्युत परिपथ है, इसके अंतर्गत इसका तुल्य विद्युत परिपथ बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो अभी आपको मैंने बताया था डायग्राम को शो कराता हूं। तो देखो बेटा ये तो हमारा डायग्राम था कि हमारा एक कुंजी, ये बैटरी, ये बल्ब एलईडी बल्ब सादा बल्ब ले लो, दो स्रोत। तो अब हम चलते हैं आपको प्रैक्टिकल कराते हैं, प्रैक्टिकल चलो लैब में चलते हैं। बेटा हम लैब में आ चुके हैं, ये हमारी लैब में एंट्री हो चुकी है, ये हमारी बैटरी, ये हमने एलईडी बल्ब ले लिया, और ये हमने दो कुंजी स्रोत ले लिया, और ये हमने भूसंपर्क कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया एलईडी बल्ब के अंतर्गत पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एलईडी बल्ब का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव या डायोड के पॉजिटिव से, और नेगेटिव भूसंपर्क। सबसे पहले देखो ये बैटरी का नेगेटिव एलईडी बल्ब के नेगेटिव से जोड़ दो और इसको भूसंपर्क कर दो, इसको यहाँ लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला सिरा ले जाके इस कुंजी से जोड़ दो और ये कुंजी का यहाँ आपस में कनेक्ट कर दो, और ऐसे ये कुंजी आपस में कनेक्ट, एक मीटर को इसको पहले अलग कर लेते हैं, यहाँ से अलग कर दी, ये कुंजी इस कुंजी से आपस में कनेक्ट कर दो। अब इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दो और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दो। तो देखो ये था हमारा, ये कुंजी ए थी, ये कुंजी ये ए, ये स्रोत भी या कुंजी ए कुंजी भी, ये बैटरी और ये बल्ब। तो लैब में हम चलते हैं, अब हम वापस लैब में चलते हैं। लैब में देखो, लैब की तरफ हम आए, लैब में हमको मिला क्या, मिला ये मिल गया लैब में, ये हमने जोड़ दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी एक कुंजी को चालू करने पर, देखो मैंने ये कुंजी चालू कर दी, ऐसे चालू करने के लिए सबसे पहले हमें सर्किट चालू करना पड़ेगा, सर्किट चालू कर दिया। अब मैं किसी कुंजी को चालू कर रहा हूँ तो बल्ब जला का नहीं जला, क्यों, क्योंकि इसकी वोल्टेज कम है। तो इसके वोल्टेज को देखते हैं हम, यहाँ इसके वोल्टेज सेट करते हैं,
इसके वोल्टेज 2 वोल्ट, वोल्टेज कम करने पड़ेंगे, इसका वोल्टेज अपने वोल्ट किया हमने, जल गया, जला, अरे जला ना, क्या कहा था कि किसी भी एक कुंजी को चालू करने पर परिपथ में से धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होगी तो बल्ब जलेगा और बल्ब, ये तो डीजे की फीलिंग आ रही है बेटा, और बल्ब जलेगा तो डीजे बजेगा और डीजे बजेगा तो चांदनी नचेगी यार, जो अपनी इच्छा से किसी को नचालो है ना, चमेली को नचालो, चांदनी को नचालो, जो जिसकी लहलाए उस किसी को नचालो है ना, और नचेगी तो बेटा पैसे फेंकेंगे। किसी भी एक कुंजी को चालू की, अब बेटा मैं क्या करता हूँ देखो, इसको यहां से इसको बंद किया, इसको चालू कर रहा हूँ, ये चालू कर दी, अब भी बल्ब चल रहा है, अब डीजे की फीलिंग, बोले सर डीजे की फीलिंग लाओ तो हम इसके कलर चेंज कर देते हैं, देखो आहा आहा, अब मैं इसको यहां से बंद कर दूं, इसको चालू कर दूं, अब भी चल रहा है, या इसको बंद कर दूं, इसको चालू करो, लेकिन जब दोनों की दोनों क्या है, चालू नहीं है, दोनों कुंजी खुली है तो बल्ब नहीं जलेगा, किसी एक को चालू किया बल्ब चल रहा है, इसको छोड़ो इसको चालू किया बल्ब जल रहा है, इसको छोड़ो इसको चालू किया बल्ब जल रहा है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल है, तो विद्युत प्रपथ बन रहा है बेटा, और लॉजिक गेट का एक चालू किया जल गया, दोनों बंद जीरो, किसी भी एक को चालू कर दो, लेकिन ये देखो हम, यदि तुम कहोगे सर दोनों को चालू करेंगे तो बेटा हम देखो दोनों को चालू करेंगे तो हमारा सर्किट समाप्त हो जाएगा, देखो चल गया कोई सा नहीं हो रहा ना, अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, एक को अलग कर दो, अब सर्किट चालू कर दो, चल रहा, एक कुंजी खोल दी तो बंद, चालू कर दी तो जल गया, यही तो हमारा क्या है और लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट में क्या बताया, अब चलते हैं हमारा हम थ्योरेटिकल पोर्शन के अंतर्गत, तुल्य विद्युत प्रपथ में क्या था, किसी एक कुंजी को यहां से चालू कर देंगे, प्रपथ चालू हो जाएगा, बल्ब चलेगा, बल्ब जलेगा तो धारा प्रवाहित होगी तो आउटपुट क्या मिलेगा वन, और दोनों खुले तो बल्ब नहीं जलेगा और तो आउटपुट क्या मिलेगा जीरो, ये हमने प्रैक्टिकल में शो किया, प्रैक्टिकल तरफ चलते हैं लास्ट बार, देखो ये हमने बल्ब चालू कर दी तो बल्ब जल गया, तो बेटा ये था हमारे आज की क्लास का और लॉजिक गेट, ऐसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड लॉजिक गेट, नॉट लॉजिक गेट, सभी के सभी हम आपको प्रैक्टिकल के सहित आपकी स्क्रीन पर डेमो दिखाएंगे, शो करेंगे, प्रैक्टिकल रिप्रेजेंट करेंगे, तो सभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और अब डेली कंटिन्यूस आपकी क्लास होगी तो सभी लाइव क्लास लें और फिर प्रैक्टिकल साइड मजा आएगा, भरपूर मजे का भरपूर आनंद आज की क्लास की।